अस्सलाम वालेकुम मेरी जान के टोटो, कैसे हो तुम सब। तो फाइनली तुम्हारे भाई आ चुके हैं और न्यू हेल्पफुल वीडियो के साथ। जी हां गाइस, थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हां गाइस, आज की वीडियो होने वाली है लैग फिक्स पर। गाइस अगर अभी आप PUBG या BGMI के प्लेयर हो और आपकी डिवाइस बहुत ज्यादा लैग करती है खेलते वक्त, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हो। तो आज आपको भाई आपकी फुली जो है ना लैग फिक्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाला है और आपका जो है ना लैग फिक्स करने वाला है। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर आप न्यू हो तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दो। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की जाने। गाइस अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो 80-90% जो डिवाइसेज है ना पबजी मोबाइल या BGMI में बहुत ज्यादा लैग कर रही है। गाइस यहाँ तक कि पबजी और BGMI में लैग इतना बढ़ गया कि आईफोन भी लैग कर रहे हैं। तो इसकी बहुत सारी वजूहत है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइस इसकी वजूहत में एक मेजर इशू है जो है हमारा हीट प्रॉब्लम, और गाइस इसी के साथ साथ और भी वजूहत है जिसमें हमारी स्टोरेज आ जाती है पबजी मोबाइल के, न्यू से न्यू अपडेट्स आ जाते हैं। तो आपके भाई हर चीज एक्सप्लेन करके आपका जो है ना लैग फिक्स करने वाला है, और ये भी पता है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करके अपने मोबाइल का लैग फिक्स कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं पबजी के न्यू अपडेट्स के बारे में। जी हाँ गाइस, आप सबको पता ही होगा जैसे कि पबजी मोबाइल या BGMI में न्यू से न्यू अपडेट्स आते हैं, न्यू से न्यू चीजें ऐड की जाती हैं जिसकी वजह से हमारे डिवाइसेस बहुत ज्यादा लैग कर रही हैं। तो इसका भी सलूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको सिर्फ इसके बारे में एक टिप दे सकता हूँ कि जब भी आप गेम खेलो आपने हमेशा अपनी ग्राफिक सेटिंग्स जो है ना स्मूथ पर रखनी है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी मेन टिप्स की जानब जिसमें हमारी स्टोरेज आ जाती है, उसके बाद हीट प्रॉब्लम पर भी बात हम करने वाले हैं। तो अभी स्टोरेज पर बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी डिवाइस की स्टोरेज 128 GB है या 64 GB है, तो आपने ऑलमोस्ट आधी स्पेस जो है ना बचा के रखनी है। जी हाँ गाइस, और इसको बचाने के लिए मैं आपको एक ऐसी टिप दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी डिवाइस जो है ना बहुत सारी चीज़ों से भरी पड़ी है, यहाँ तक के फालतू एप्स आप सुकून से बैठकर चेक करें, आपके पास जो फालतू वीडियोस पड़ी हैं आप डिलीट कर दो, यहाँ तक के जो फालतू ऐप वगैरह पड़े हैं जो आप यूज नहीं करते उनको जल्दी से डिलीट मारो, क्योंकि ये चीज ही आप जब आप गेम खेलते हो ये चीजें बैकग्राउंड में प्रोसेस करती रहती हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्रोसेसर वगैरह CPU पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस जो है बहुत ज्यादा लैग करती है। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम की जानिब जो है हीट प्रॉब्लम। तो गाइस जहां तक मेरा मानना है जो हीट प्रॉब्लम है ये हमारी लैग की जड़ है। अगर हम इस हीट प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेते हैं तो 80-90% जो है हमारा लैग फिक्स हो जाता है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी डिवाइस हीट होती किस वजह से है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पबजी मोबाइल में जैसे कि न्यूज़ अपडेट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारी डिवाइस पर लोड पड़ता है, इसकी वजह से भी हमारी डिवाइस जो है हीट होती है, और हमारी स्टोरेज फुल होने की वजह से भी हमारी हीट होती है। बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास फालतू एप्स पड़े होते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो बैकग्राउंड में प्रोसेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे CPU प्रोसेसर पर लोड पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ता है, और इस वजह से ना हमारी डिवाइस हीट होती है। तो समझ तो गई होगी। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये हीट प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है। तो गाइस बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों को मैंने देखा है जो कि ये बताते हैं कि ये सेटिंग कर लो, ये सेटिंग कर लो, ऐसे कर लो, तो जो है ना आपकी हीट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इस तरह तो तुम्हारा जो है ना लैग फिक्स हो जाएगा। तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करूंगा। तो मैं आपको जो है ना मेन जो टॉपिक्स है उसके बारे में बता देता हूँ। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि आपकी मोबाइल का जो हीट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए तो इसकी एक ही वजह है कि आपने अपने मोबाइल का टेम्परेचर कम रखना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हो, चाहे फ्रिज में बैठकर गेम खेल रहे हो या किसी पंखे के सामने, तो टेम्परेचर तो कम करना पड़ेगा। तो गाइस अब तो वैसे भी बहुत सारी आसानियां आ चुकी हैं, जैसा कि मार्केट में बहुत सारे कूलिंग फैन ऐसे आ चुके हैं जो कि हमारे डिवाइस के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हीट प्रॉब्लम है इजीली सॉल्व हो सकती है। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो आप आम सा कूलिंग फैन भी ले सकते हो, लेकिन मैं जो है ना पर्सनली जो मेमो का DS05 जो है ना यूज कर रहा हूँ जो कि बहुत ही कमाल का है, जो गाइस ऑलमोस्ट आपको दराज से इजीली 4000 से 4200 तक इजीली मिल जाएगा। और पर्सनली बताऊं को तो उसका भी रिव्यू किसी दिन कर दूंगा, लेकिन बहुत ही कमाल का कूलिंग फैन है जिसकी वजह से ना मेरी डिवाइस बिल्कुल भी लैग नहीं होती, और आपका भाई रिकॉर्डिंग भी कर लेता है और आप देख सकते हो कितनी स्मूथ मेरी गेम चल रही है बैकग्राउंड में। तो गाइस एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपने पबजी मोबाइल में जब गेम खेलनी है तो अपनी जो सेटिंग है स्मूथ पर रखनी है, और अपनी ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा स्पेस स्टोरेज यानी कि खाली रखनी है, और तीसरे नंबर पर जो चीज मैंने आपको बताई कि आपने हमेशा अपने मोबाइल का टेम्परेचर जो है ना लो रखना है, वो आप कोई सिंपल सा कूलिंग फैन यूज कर सकते हो, कूलिंग फैन के सामने बैठकर खेल सकते हो, और यहाँ जा जो कि मैंने बताया मेमो का DL05 है ये मैं जो पर्सनल यूज करता हूँ ये भी ले सकते हो। और गाइस अब चलते हैं अपनी बोनस टिप की जानिब। तो गाइस आज की जो बोनस टिप है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कभी भी आपने ना GFX टूल का यूज नहीं करना। पर्सनली बता रहा हूँ GFX टूल कभी यूज मत करना। अगर आप GFX टूल यूज करते हो तो थोड़ी बहुत आपकी मतलब स्मूथनेस गेम में आती है थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर बाद इतनी गंदी आपकी गेम चलने वाली है ना, तो वो तो मैं क्या बताऊँ आपको, अगर आपने यूज किया तो फिर आप खुद ही देख लोगे। तो गाइस अगर आज
की ये टिप्स आपको पसंद आई हो तो यार जल्दी से ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मजीद इसी तरह की वीडियो तुम्हारा भाई लेकर आता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना, टेक केयर, बाय बाय।